हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 100 वाट एम्पलीफायर के लिए ड्राइवर ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग डाटा बताऊंगा। इससे आप दो पेयर ट्रांजिस्टर आसानी से चला सकते हैं, चाहे वो 3773 हो और चाहे 3055 हो, और आजकल चल रहे हैं 2SC5200, उनको आप इससे ड्राइव कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इससे 100 वाट आराम से आउट एम्पलीफायर में आराम से इसको यूज़ किया जा सकता है। ये फ्रेंड्स, ये जो ट्रांसफार्मर है ये 909 और 500 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर होता है, और उसकी जो कोर होती है फ्रेंड्स वो होती है 12A। ये जैसे कोर एरिया जो होता है फ्रेंड्स, अगर आपको नॉलेज हो कोर एरिया की, तो ये कोर एरिया होता है और ये इसकी मोटाई होती है। तो आप देख रहे होंगे ये 0.75 इंच है, ठीक। और ऐसे अगर आप नापेंगे तो ये 0.6 आएगा। तो 0.6 और 0.6 यानी 0.6 इंटू 0.6 चौकोर जो बीच का एरिया इसका होता है वो, या फिर 0.7 और इंटू 0.625, तो दोनों में से कोई भी 909 का ऐसा ट्रांसफार्मर आपको मिल जाए तो उसको आप कोर निकाल के और खाली कर लें, और उस पर ये बाइंडिंग जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर ये बाइंडिंग कर लें, तो आपका ट्रांसफार्मर ड्राइवर ट्रांसफार्मर बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए बाइंडिंग देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये इस तरह का बाइंडिंग होती है, पहली में प्राइमरी में एक बाइंडिंग होती है, ये प्राइमरी, और ये है सेकेंडरी। सेकेंडरी में दो बाइंडिंग होती हैं, ये 22 वोल्ट होता है, ये 22 वोल्ट होता है, और ये बेस होता है दोनों ट्रांजिस्टर के लिए। दोनों साइड में जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनके लिए बेस पे ये और ये वायर जाता है। और प्राइमरी में फ्रेंड्स एक साइड पॉजिटिव होता है और दूसरा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे ये इस तरह चला जाता है। ये आप देख रहे होंगे ये इस तरह ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे चला जाता है। तो प्राइमरी में फ्रेंड्स हम डालेंगे 110 टर्न डालेंगे फ्रेंड्स, 27 गेज के 110 टर्न हम डालेंगे इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद में हम सेकेंडरी देख लेते हैं। सेकेंडरी में फ्रेंड्स हम 70 टर्न सेकेंडरी में हम 70 टर्न डालेंगे, 70+70 यानी कि बाई फिलर बाइंडिंग इसकी हम करेंगे। बाई फिलर बाइंडिंग इसकी करेंगे फ्रेंड्स, और इसका जो वायर गेज होगा फ्रेंड्स वो होगा 25 गेज, और 70-70 बाई फिलर बाइंडिंग करेंगे। बाई फिलर बाइंडिंग मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बाइफिलर बाइंडिंग में दो वायर एक साथ लपेटे जाते हैं, तो उससे क्या होता है दोनों के टर्न बराबर रहते हैं दोनों साइड के, और दोनों वायर का रेजिस्टेंस बराबर रहता है और लेंथ बराबर रहती है, तो उससे दोनों चैनल के जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो एक जैसी स्विचिंग करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि एक चैनल पे ज़्यादा लोड पड़ा एक चैनल पे कम लोड पड़ा, एक साइड के चैनल के ट्रांजिस्टर ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और दूसरे साइड के ठंडे रहते हैं, तो ये अनबैलेंस स्विचिंग हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम बाइफिलर बाइंडिंग का यूज़ करते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर फ्रेंड्स पड़ा हुआ है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि बाइफिलर बाइंडिंग हम क्यों यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।